like I'm floating through the air. The pain I felt is paid for, all is said and done. Oh, I am restricted, fixed upon the web. I need to kick the habit that my mind is breathing in. Break out, I've got to see. Spent all my life holding all of it closely. I played it innocent, a feel of discontent. I'm finally facing it all, fearless. हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज है 3 बज गए हैं और हम और हमारे दोस्त सूरत से आए हैं हमारे लिए। आज इनको घुमाने जाएंगे और देखते हैं फिर क्या होता है आगे। आज खंदो जाने का प्लान है। यहाँ पे अपन ये देखिए कितना अच्छा मौसम हो रहा है, 4 बज रहे हैं और हम लोग निकल रहे हैं, अब जा रहे हैं खंदो जा रहे हैं गाइस, डिसाइड हो गया है। और ये देखिए रोड, और यहाँ पे काले बादल देख सकते हैं आप। यहाँ पे अपनी गाड़ी चल रही है, यहाँ पे अपना ये आ चुका है टोल प्लाजा, रिंग रोड वाला टोल प्लाजा है गाइस। अब मौसम काफी अच्छा हो रहा है, देखा है? तो यहाँ से अपना रीवा समाप्त और यहाँ से सिंगल रोड चालू हो चुकी है। और यहाँ पे हमारे एक डैम भी आने वाला है जो कि काफी खतरनाक दिखता है, आगे चल के दिखाते हैं आपको। यहाँ पे चैन में ऑयल डाल रहे हैं अपन। सो गाइस यहाँ पे देखिए, यहाँ पे नहर का काम चल रहा है, तो यहाँ पे रोड इस साइड को जाएगी। यहाँ पे दिखाते हैं आपको, ये रोड का काम चल रहा है और यहाँ से अपन लोग जाएंगे। अब देखते हैं, ये नया रास्ता है अपन के लिए, ऊपर से नहर भी बहती, दिखाएंगे आपको फिर। ऑफ रोडिंग चल रही है, ये देखिए यहाँ पे सफारी जा रही है। वैसे निकलेगी तो नहीं सफारी, लेकिन फिर भी इनके बस की बात तो नहीं है, लेकिन देखिए क्या होता है। ओ भाई साहब, स्कॉर्पियो नहीं निकलेगी, नहीं निकलेगी भैया। तो यहाँ पे स्कॉर्पियो वाले भैया अलग ही टेलर पे सोच रहे थे कि ज़्यादा ही ऑफ रोडिंग करेंगे, अटक जाएगी उनकी गाड़ी। अब हम देखते हैं। हाँ हाँ, ये वाली ब्रिज बन रही, चलो ठीक है, कम से कम ब्रिज बन तो रही है, चालू रहने देना। तो गाइस फाइनली हम पहाड़ चढ़ चुके हैं, ये देखिए कितना अच्छा यार बैकग्राउंड है। इधर अपन साथ में चल रहे हैं और यहाँ पे देखिए क्या खतरनाक पानी आ रहा है, दिख रहा होगा आपको। थोड़ा आप कैमरा इधर दिखा दीजिए। हमको बहुत लंबा घूमना पड़ा बिकॉज वहाँ पे ओवर ब्रिज पे काम चल रहा है जो कि काफ़ी अच्छा है, चल रहा है। बाकी बहुत रोड ख़राब थी। यहाँ पे देखिए ऊपर ऊपर हम लोग आ रहे हैं, यहाँ पे बगल में नहर बह रही है। हम लोग मेन रोड पर आ गए, काफ़ी हालत ख़राब हो गई थी, यहाँ पे हाथ पे दर्द होने लगा था। अपन लोग समोसा खा रहे हैं, टाइमिंग दिखा दीजिए, गड़बड़ है टाइमिंग, कोई बात नहीं। अपना एक वीडियो बनाया हम लोग और यहाँ पे एडिटिंग चल रही है आईफोन की। यहाँ पे दूसरी चाय हम लोग मंगा चुके हैं, यहाँ पे अपनी बाइक खड़ी होते हुए, ये देखिए गैया को भगाते हुए, और ये चाय। और यहाँ पे भाई प्रकाश फ्रॉम रीवा सिरमौर, टी ब्रेक किया था, तो ये देखिए देसी शराब की दुकान यहाँ पे गोविंदगढ़ पे है। अब चलते हैं खंदो की ओर। गाइस यहाँ पे देखिए ये अपना गोविंदगढ़ का स्टेडियम है, बताइए यहाँ भी स्टेडियम है, काफ़ी अच्छा प्रगति पर है ये। और यहाँ पे सतना वाला रोड आने वाला है, सतना से यहाँ से डायरेक्ट मुड़ जाएंगे, दिखाते हैं फिर आपको। यहाँ पे अपन देखिए आ गए हैं, यहाँ से सीधी से डोल बेला सब यहाँ से जाता है, ये इधर से मुकुंदपुर जाएंगे और यहाँ से अपन टुवार्ड्स शहडोल के लिए रास्ता है। आगे छुईया घाटी भी पड़ेगी, है देखिए यहाँ पे बांधवगढ़ सब दिखा रहा है। खंदो वाली रास्ता पे अपन आ चुके हैं, यहाँ पे देखिए पानी गिरना स्टार्ट हो चुका है जो कि काफ़ी अच्छी फील होती है। चलिए हम लोग खंदो पे पहुँच चुके हैं और यहाँ पे ये देखिए कितना अच्छा सनसेट दिख रहा है, यानी सनसेट तो नहीं हुआ है अभी, पर सनसेट दिख रहा है।
तो यहाँ पे कुछ फेर बदल की गई है, चलते हैं अपन। हम लोग अब पहुँच चुके हैं खंडो, दिखाते हैं आपको व्यू आगे का, ये देखिए काफ़ी अच्छा। और अंदर भी चलेंगे थोड़ा, यहाँ पे ज़्यादा तो नहीं जाएंगे। यहाँ पे अपनी धन्नो खड़ी है, यहाँ पे सनसेट। आप ये देखिए काफ़ी ख़तरनाक पानी बहता है, इसको भैंसासुर कुंड कहते हैं। और यहाँ पे हम पहले जब हमसे तैरते नहीं बनता तो हम तब यहाँ पे नहाने आते थे। आप देख सकते हैं क्या अच्छा व्यू है, वाह। हो गया, बंद कर दूं। गाइस तो ये रहा खंडो का सीन, देखिए कितना प्यारा सनसेट है। ये रही मंदिर, ये बहता हुआ पानी, ये विश्व भैया। हेलो गाइस, देखिए हमारी पूरी टीम, ये विश्व भैया फोटो शूट कर रहे हैं यहाँ खंडो में। ये देखिए गाइस, फोटो शूट के ऐसे शौकीन हैं कि कंघी कर कर के फोटो शूट कर रहे हैं। कुछ नोटिस कीजिए। कहीं पे लिखी अच्छी बातें भी होती हैं, इसका मतलब क्या? कुछ वर्ड मिट चुके हैं लगता है, कुछ अच्छे समझ नहीं आ रहा। हाँ, ये अच्छी चीजें लिखी हैं, बहुत सही। गाइस यहाँ पे बज चुके हैं, 6 बज चुके हैं, और यहाँ पे हम गिर भी गए थे, आपको वीडियो में दिखेगा। और हम लोग नहा भी चुके हैं, मैं तो पूरा नहा चुका, पूरा मेरा गीला है। देखते हैं यहाँ पे वो हो रहा है, पैकिंग वैकिंग हो रही है।